बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सब दोस्तों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PCT के टेस्ट 6 और 7 फरवरी को होने वाले हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए जो PCT का पेपर हमने शुरू किया था वो आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 15 क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडी के और 10 क्वेश्चन पेडागॉजी के होंगे। अगर पिछले पार्ट आपसे मिस हुए हैं तो इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी वॉच कर लें। और मुकम्मल पेपर आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पासवर्ड आगे वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। क्वेश्चन नंबर 70 है, द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज। ये ट्राइंगल दिया गया है जिसका हमने एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 12 सम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ए डेटा स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 27, लार्जेस्ट वैल्यू इज 48 एंड साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 3, देन नंबर ऑफ क्लासेस विल बी। यहाँ पर इंटरवल दिया गया है जो कि 3 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 27 और लार्जेस्ट वैल्यू है 48। तो 48 से अगर हम 27 को माइनस करें तो इससे 21 आ जाएगा, और फिर इसको इंटरवल यानी 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, पाई ग्राफ इज डिवाइडेड इन टू। तो पाई ग्राफ ये डिवाइड होता है सेक्टर में, तो लिहाजा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखें, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। अगर क्लासेस को हम देखें तो इसमें इंटरवल सेम है जो कि 10 है। अब नीचे देखें कि क्वेश्चन में क्या चीज मालूम करना है। द क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखें 22-30 क्लास को, इसमें फ्रीक्वेंसी 18 है, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 22-30। क्वेश्चन नंबर 74 है, द मीडियन ऑफ द डेटा 5, 9, 7, 2, 1, 3, 2, 6, 1 इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इन नंबर्स को तरतीब दें, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके, और फिर इसमें दरमियान वाला अदद निकालें जो 3 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन द गिवन पाई ग्राफ गोट्स आर। पाई ग्राफ दिया गया है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक में काउज और कैमल को रखा गया है और दूसरे में गोट्स को रखा गया है। तो ऑप्शन ए को देखे, 1/2 ऑफ द टोटल एनिमल्स, ये 2 हिस्से हैं, एक हिस्से में गोट है और दूसरे हिस्से में काउज और कैमल को रखा गया है, तो ये 1/2 ऑफ द टोटल एनिमल्स आ जाएगा। गोट यहाँ पर 1/2 है। अब स्टार्ट करते हैं सोशल स्टडीज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76 को देखें, देयर आर डैश लाइंस ऑफ लेटिट्यूड Assigned to the surface of the earth not including the equator. Equator के बगैर जमीन की सतह पर 180 अर्थ बल असाइन किए गए हैं, तो लिहाजा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैलकुलेटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ए डिकेड, ए सेंचुरी एंड मिलीनियम कंटेन्स पीरियड ऑफ डैश रिस्पेक्टिवली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ सीनेट सीट्स इन पाकिस्तान आर। तो सीनेट की टोटल तादाद है वो 104 है। नेक्स्ट है, हाउ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। प्रिंट मीडिया में अखबारात, रिसाले और मैगजीन वगैरह आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट वगैरह शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए किस तरह अहम रोल अदा करता है, ये अवाम की राय को तश्कील देने में मददगार होता है। तो ऑप्शन ई को देखें, हेल्पफुल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, तो लिहाजा ऑप्शन ई करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 81 है, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डाइवर्स कल्चर। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ किस्म के सकाफतों का बेहतर मुजस्मा है? तो ऑप्शन सी को देखें, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखें, ड्यू टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रोवाइड डैश टू द पीपल। चूँकि हमारा बैकग्राउंड डाइवर्स कल्चर का है तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो लोगों को यकसा मौके प्रोवाइड करें। तो लिहाजा ऑप्शन बी को देखें, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एरिया वाइज विच प्राविंस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल प्राविंस। एरिया के लिहाज से हमारे पास बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से हमारे पास पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर नॉट मेनली टू रिलीजन बट दे आर टू सेपरेट सोशल सिस्टम। इट वुड बी ए ड्रीम टू थिंक दैट हिंदूज एंड मुस्लिम विल फॉर्म ए कॉमन नेशन। हु सेड दिस? हिंदू और इस्लाम ये सिर्फ दो अलग अलग रिलीजन नहीं बल्कि उनकी तहजीब सकाफत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो लिहाजा इसके बारे में सोचना सिर्फ एक ख्वाब होगा, ये एक मुल्क में नहीं रख सकते। तो ये किसने कहा था? ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोवाइडेड दैट द स्टेट वुड एसिड द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सब्जेक्ट ऑफ। तो ये तमाम के तमाम ज़रूरी है, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 86 नंबर, द एंटायर नॉर्दर्न एंड ऑफ पाकिस्तान इज ऑक्यूपाइड बाय वेस्टर्न रेंज ऑफ द। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है ताकि हम बेहतर से बेहतर ऑप्शन का इंतखाब कर सकें, तो लिहाजा मेरे ख्याल से इसका आंसर है हमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सकर बैराज इज लोकेटेड ऑन। सकर बैराज ये इंडस पर वाक़ है, तो लिहाजा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल फॉरेस्ट मिनरल्स एंड वाटर आर कार्ड। ये तमाम की तमाम चीज़ें नेचुरल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेचुरल रिसोर्सेज। द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज, तो ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान है फोर सीजन, कोल्ड, स्प्रिंग, हॉट एंड रेनी सीजन। कोल्ड सीजन रिमेन्स ड्यूरिंग नवंबर टू फरवरी। सर्दी का मौसम नवंबर से फरवरी तक होता है। पाक स्टडी के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, अब हम पेडागॉजी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन सोशल एक्टिविटीज देयर डे शुड बी टेकन केयर ऑफ। जब स्टूडेंट सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहते हों तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो स्टूडेंट्स के लाइक्स और डिसलाइक का ख्याल रखना चाहिए, लिहाजा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 92 नंबर क्वेश्चन है, इन जनरल द स्टेटमेंट दैट ऑल स्टूडेंट्स बिकम साइंटिफिकली लिटरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक आम बयानिया है कि तमाम स्टूडेंट्स साइंटिफिकली लिटरेट होते हैं, तो ये एग्जाम्पल है एम्स ऑफ एजुकेशन का, लिहाजा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 93 नंबर क्वेश्चन है, इन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेथड डैश इज द मेन ड्राइवर इन लर्निंग। कोई भी मेथड जो लर्निंग में अहम रोल अदा करता है वो है क्यूरियासिटी। क्यूरियासिटी मीन्स तजस्सुस। जब आप किसी चीज़ की जस्तजू करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए तमाम राहें हमवार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ए गुड टीचर इज। इसमें जो मौजू ऑप्शन है वो है सिंपथी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 95 नंबर क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज ए व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज ए। एहसासात के इजहार के लिए जुबान एक गाड़ी का काम करता है। ये किस किस्म का व्यू है? तो ये फंक्शनल व्यू है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96, द प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट सेलेक्शन दैट इंडिकेट द कंसर्न फॉर मेच्योरिटी एंड लर्निंग सीक्वेंस इज। मवाद के सिलेक्शन का उसूल क्या है
जिससे स्टूडेंट्स की मेच्योरिटी और लर्निंग सीक्वेंस मालूम हो जाए। तो इसी इतिबार से यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, प्रोमोटिंग कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, टीचर परफॉर्म सम टास्क एंड स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, दिस इज द फीचर ऑफ टीचिंग मेथड कॉल डिमॉन्स्ट्रेशन। जब टीचर परफॉर्म करता हो और स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करता हो तो उस मेथड को हम डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर टीचर्स, बेसिक कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक टीचर के लिए क्लासरूम में डिसिप्लिन कायम करना इंतहाई लाजमी चीज है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर यूज होमवर्क एज ए टूल फॉर, एक टीचर होमवर्क किस लिए देता है? तो ऑप्शन बी को देखें, री एनफोर्समेंट। री एनफोर्समेंट की मानी है किसी शे को मजबूत बनाना, यानी स्कूल में उसने जो कुछ पढ़ा हो उसे अच्छी तरह याद करना। और आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट इज, जब एनवायरनमेंट ठीक हो तो उससे मोटिवेशन मिलती है, लिहाजा दुरुस्त ऑप्शन है मोटिवेटिंग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।